बहुजन समाज के जो रहनुमा थे वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया, और बुद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने तमाम चीज़ों को छोड़ दिया। लेकिन अभी 21 तारीख को बताया जा रहा है कि अगर 21 तारीख को रविदासी समाज का फैसला रविदासी समाज के हित में नहीं होता है तो वो तमाम जितने भी देवी देवता हैं उन सबको अपने मंदिर से निकाल कर बाहर छोड़ेंगे। तो ये कार्य कहाँ तक सही है या नहीं है, बहुजन समाज के देवी देवता हैं या नहीं है, उस पर भी रोशनी डालें। देखिए, जहाँ तक बहुजन समाज के देवी देवता का प्रश्न उठता है, अगर आप आदिकाल में चले जाओ कभी भी आपने देखा होगा हर जगह इनका तिरस्कार हुआ, इस समाज का तिरस्कार हुआ, बहिष्कार हुआ, इसको इनको कभी मंदिर में जाने की कोई किसी ने अलाउ नहीं किया। यदि कोई आनंद फान में मंदिर में चला गया तो उसके साथ जो उसकी बेइज्जती हुई या जिस तरह से उसको प्रताड़ित किया गया वो किसी से छिपा नहीं है। इवन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि 2013 या 14 में शायद पूरी मंदिर में किसी को जाने नहीं दिया गया था। यहाँ से एससी कमीशन के चेयरमैन थे मिस्टर पीएल पुनिया, और वो वहाँ मंदिर में जाना चाहते थे। जैसे ही उसको वहाँ के महंत को पता चला कि ये मंदिर में जा रहा है तो वो मंदिर बंद करके भाग गए। तो आज भी, आज की स्थिति भी ये है कि आज भी मंदिर में जहाँ, ये छोड़िए आप शहरों की बात, लेकिन लोकल में अगर आप जाइए, देहात में जाइए, रूरल एरिया में जाइए, तो सर्टेनली आज भी उसी तरह की भावनाएं हैं। और बाबा साहब ने भी कहा था कि एक केवल आडंबर हैं जो ये देवी देवता जिनको हमें डरा कर रखा हुआ, जैसे ठीक उसी तरह से जैसे एक खेत में डरावना गाड़ देते हैं और उससे डरता है कि भाई पक्षी नहीं आएगा, खेत नहीं खराब करेगा, ठीक उसी तरह से ये सारा जो सिस्टम है ये उसी पैटर्न पर है। एक डरावा और भ्रम पड़ा हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ हमें आदर नहीं मिलता, जहाँ हमें लोग हिंदू ही नहीं समझते, तो सर्टेनली हमें उस धर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। जो बाबा साहब ने रास्ता दिया उस रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। रही उनके त्याग की, सर्टेनली उनको भी धीरे धीरे आ जाएगा। देखिए, समाज के कुछ हिस्से को जल्दी थोड़ी सी बुद्धि इस बात की आ गई कि भाई फैक्ट क्या है, बाबा साहब जो कहते थे उसमें कितनी है। और कहते तो गुरु संत रविदास जी ने भी ऐसा ही कहा, लेकिन उसकी फॉलोइंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों ने ट्वीट कर दिया और उनके मंदिरों में बजाय गुरु जी के उनके मंदिरों में और दूसरी आराधना शुरू हो गई। और मैं ये कहता हूँ कि जब अब लोगों को ये ठेस पहुँचेगी कि एक मंदिर, जब 600 साल पुराने मंदिर को भी वो टॉयलेट नहीं कर पा रहे, गुरु जी का मंदिर था, तो वो किस तरह के समाज को चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं और कैसे वो भगवान चाहते हैं, सर्टेनली ये सोचने का एक बहुत बड़ा प्रश्न है उनके सामने। और अगर ये नहीं हुआ, इस तरह की भावनाएं नहीं हुई, तो लोगों को ठेस पहुँचेगी सर्टेनली। जिस जहाँ उसको बेच थोड़ा पड़ता है, ठेस लगती है, तो उससे दूर जाता है। तो वो समय दूर नहीं है कि लोग वहाँ से हटेंगे और बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। आप थे हमारे साथ एआर जोशी जी और बालाग्राम बौद्ध जी, जिन्होंने बताया कि जो ये बहुजन समाज का मंदिर तोड़ा गया है, बिल्कुल गलत तोड़ा गया है, लेकिन इसके पीछे जो रणनीति करी जा रही है वो भी बहुत अच्छी नहीं करी जा रही है। क्योंकि अगर आपके रहनुमा का घर तोड़ा गया है तो आपको वहीं पर बैठ के बात करनी चाहिए, ना कि राजनीतिक गलियारों में बैठ के उसकी बात करनी चाहिए। आप लोगों ने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।